आप पूरा कीजिए ना, आप आ गए हैं ना सरकार में वापस, आप कीजिए सात निश्चय, आप देखिए कि सुनिश्चित तौर से धरातल पर उतरे, आप देखिए कि शराबबंदी विफल ना हो, पूरी तरीके से लागू हो, आप उन सारी चीज़ों में ध्यान देना। क्यों चिराग पासवान क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्यों मुख्यमंत्री और उनकी पूरी पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है। बहरहाल जहाँ तक एनडीए बैठक की बात है, मेरे पास निमंत्रण आया था, प्रहलाद जोशी जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, निमंत्रण आया था। और ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि किसी कारणों से मैं कुछ बैठकों में नहीं जा पाया हूँ। और उस दिन ईमानदारी से, क्योंकि एक दो दिन पहले से ही थोड़ी सी हरारत थी और मैं सेल्फ आइसोलेशन में चल रहा था, और मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि उसको सेट करना और सारी चीज़ें आइसोलेशन में अकेले नहीं संभव था, और कमज़ोरी थी, तो इसीलिए मैं उस दिन सुबह ऑल पार्टी मीटिंग भी थी उसमें भी मैं नहीं गया था। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात की चिंता करें कि प्रदेश कैसे चले, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, सवाल ये जिससे कि साथ और नेता प्रतिपक्ष अटैक कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कहना है कि दोनों का अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन हो चुका है, आप और नेता प्रतिपक्ष जिससे कि अटैक कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कहना है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आरजेडी और एलजेपी का गठबंधन हो चुका है, वो बता नहीं रहे। अगर मीडिया के साथी भी अगर इन बातों को रखने लगेंगे ना, तो हम लोग भी विपक्षी आवाज ही बनते हुए दिखेंगे। भाई अगर हत्या हो रही है, आप हत्या का विरोध ही करेंगे ना, आप जांच की मांग ही करेंगे ना, आप और क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ों पर एक सुर मिला के बोल रहे हैं जो कि आपके, जो कि सुनियोजित आपको लगे कि हाँ ये एक विचारधारा के साथ जाने की बात कर रहे हैं, मेरे पास आज जो जनता दल यूनाइटेड आरोप लगा रही है, आप मुझे बताइए ना, क्या मेरे पास विकल्प नहीं था 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और जब मैंने फैसला लिया कि मैं जनता दल यूनाइटेड मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, उस वक्त भी तो मेरे पास विकल्प था, जाना होता तो मैं उस वक्त महागठबंधन का हिस्सा बन जाता, उस वक्त मैं वहाँ से सीटें लेके हम लोग गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ते, उस वक्त क्यों नहीं किया, मैं उस वक्त भी तो विकल्प था। पर उस वक्त ये निर्णय मेरे द्वारा, पूरी पार्टी के द्वारा लिया गया कि हमारा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, इसीलिए हम लोग भाजपा के साथ रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग आज दिन रात इस बात का को बोलते नहीं थक रहे कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, ये लोग तो गठबंधन का हिस्सा कहाँ मानते थे लोजपा को। केसी त्यागी जी का बयान आता था ना, इनके प्रदेश के बड़े नेताओं का बयान आता था ना कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, ये जनता दल यूनाइटेड के बयान है। चुनाव से पूर्व जब मैं हॉस्पिटल में पापा को की तबीयत खराब थी, जब मैं उनको देख रहा होता था, इनके बयान निकाल के देख लीजिए, निरंतरता में इन्होंने कहा था कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो आज क्यों बोल रहे हैं कि भैया लोजपा ने पीठ पे छुरा भोंका, क्यों बोल रहे हैं कि इन लोगों ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। भाई मैंने तो जो किया डंगे की चोट पे किया, कहकर किया कि मेरा नहीं विश्वास है मौजूदा मुख्यमंत्री पर, उनकी नीतियों पर, सरकार की कार्यशैली पर, मैंने तो जो किया खुल के किया। पर आज आपको भाई याद आ रहा कि लोजपा गठबंधन का हिस्सा थी, तब आपको याद नहीं आया जब आपने तमाम तरीके की तार्किक संभावनाओं को दूर रखते हुए 6 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद वाली पार्टी को 15 सीटें देने की आप बात कर रहे थे। उस वक्त आपको याद नहीं आ रहा था कि भैया लोजपा गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं, उस वक्त तो आप हम लोग को साइड कर रहे थे, भाजपा संभाले, भाजपा की हेडेक है लोजपा, इस तरीके की बातें कही जाती थी ना। तो आज मुझसे क्या अपेक्षा रख रहे थे जनता दल यूनाइटेड के नेता, क्यों इस बात को कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भौंका और हम लोगों के साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया। आज जिनके साथ गलभैया कर रहे हैं, जिनके साथ कर रहे हैं, बताइए ना 2019 में उनके उन्होंने कौन सा गठबंधन धर्म निभाया था, या 20 के चुनाव में जो नए साथी जो पुराने थे और उनको वापस ला रहे हैं, वो कहाँ थे 2020 में, उन लोगों ने छुरा नहीं भोंका था क्या। तो ये लोग अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आज गठबंधन गठबंधन गठबंधन, माना आपने कभी कि लोजपा गठबंधन में थी, उस वक्त तो हम लोग की हैसियत दिखाई जाती थी, कहा जाता था कि लोजपा की हैसियत क्या है, अकेले चुनाव लड़कर देख लें, लड़ लिया हमने, तकलीफ किसको हुई। चिराग पासवान तो आज भी उतना ही कॉन्फिडेंट है और उतना ही खुश है, ज़्यादा खुश हूँ बल्कि, तकलीफ किसको हुई, वो आज बोल रहे हैं कि भैया गठबंधन धर्म नहीं निभा।